धौलपुर शहर के हरदेव नगर पर पीताम्बर भक्त मंडल धौलपुर द्वारा जी न्यूज के डिजिटल हेड मनोज माथुर के आकस्मिक निधन पर एक शोक सभा का आयोजन हुआ। उनका दिल्ली में हृदय गति रुकने से देहांत हो गया था। उनकी आत्मा की शांति के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण हुआ और 2 मिनट का मौन रखा गया। उनके चित्र पर माल्यार्पण अर्पित किया गया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। शोक सभा में बोलते हुए अभिभाषक संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल ने कहा कि मनोज माथुर का धौलपुर से एक विशेष नाता था। वे धौलपुर के लोगों को बहुत महत्व देते थे, मृदुभाषी और मिलनसार थे। उनकी मौजूदगी में शहर में कई सामाजिक सरोकारों से जुड़े आयोजन भी कराए गए थे। उनके जाने से समाचार जगत को बहुत बड़ी क्षति हुई है। पत्रकार श्री मनोज माथुर के असमयक देहांत के वजह से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। श्री मनोज माथुर बहुत ही बेहतरीन पत्रकारिता में प्रसिद्धि पाते थे और असमयक शोक उनकी मृत्यु जाने के बाद हम शोक आज हम सभी यहाँ पर श्री मनोज माथुर जी जो एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे और जिनका जुड़ाव भी राजस्थान से था। अब आजकल वो डिजिटल इंडिया जी के ही डिजिटल देख रहे थे दिल्ली में। उनके संग काफ़ी लंबे समय तक उनसे गाइड प्राप्त किया, उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। उनका आकस्मिक निधन हो गया जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और एक शोक सभा रखी गई है। मैं उनके बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि वो लोगों से घुल मिल जाते थे और लोग उनके संग जब खड़े होते थे तो ऐसा लगता था कि ये अपने हैं। और उनके संग जो उनका भाव होता था, जो उनका मन प्रेम होता था सब लोगों के संग, सबके संग एक सा होता था, हर किसी को वो मोहित कर लेते थे। धौलपुर से उनका बहुत ज़्यादा जुड़ाव था। धौलपुर में उन्होंने 3-4 प्रोग्राम कराए थे बड़े बड़े जिसमें वो आए थे और ज़्यादातर लोगों से उनका परिचय हुआ था, हर किसी से वो परिचय कर देते थे। जी राजस्थान में उनका लंबे समय तक अनुभव रहा। आजकल वो दिल्ली में थे और जी का डिजिटल देख रहे थे।